गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोगों का सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लासेस में। मैं गणेश कुमार सेन, मेरा आज का टॉपिक है ड्रॉ द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को आप किस प्रकार से सरल तरीका से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, आज हम लोग को ये जानना है। तो देखिए, हम आप लोग के सामने एक सिंपल आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन लिए हैं, आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट लिए हैं। इसको क्या करना है, हमको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना है। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो देखते हैं हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखना है इसमें सबसे पहले आपको ये कि फ्रंट व्यू आपका किधर है, साइड व्यू किधर है और टॉप व्यू किधर है। तो देखिए, फ्रंट व्यू आपका लेफ्ट में है, साइड व्यू आपका राइट में है और टॉप व्यू आपका ऊपर में दिया गया है। तो इसको कैसे बनाना है उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम ऑर्थोग्राफिक बॉक्स का निर्माण करेंगे जो इस प्रकार से बनेगा, जिसमें कि हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का प्रयोग करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है कि जो रेखा हम लेफ्ट से राइट की ओर खींचते हैं उसको हॉरिजॉन्टल लाइन करते हैं, और जो रेखा को हम ऊपर से नीचे की ओर खींचते हैं उसे वर्टिकल लाइन करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे बिना मापे हुए, कोई माप नहीं होगा इसका, और बिल्कुल थिन लाइन में खींचेंगे, डार्क नहीं करेंगे। इसके बाद जो बीच वाला रेखा है, बीच वाला से आपको क्या करना है, राइट में भी 5 mm का गैप छोड़ना है और लेफ्ट में भी 5 mm का गैप छोड़ना है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 5 mm ऊपर में गैप छोड़ना है, 5 mm नीचे में गैप छोड़ना है। फिर आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है फ्रंट का डायमेंशन दिया हुआ है 30 mm, 30 mm दिया हुआ है। आप बिल्कुल यहाँ से क्या कर सकते हैं, 30 mm माप सकते हैं इसको, 30 mm माप लेना है आपको। मापने के बाद जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को बिल्कुल वर्टिकल लाइन और बिल्कुल ही थिन लाइन, हल्का रेखा आपको इस तरह से खींच देना है, एक रेखा इस तरह खींच देना है। खींचने के बाद आ जाना है आपको साइड व्यू पर। तो देखिए साइड व्यू का डायमेंशन कितना, 40 है, 40 mm दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको यहां से 40 mm हम खींच लेंगे, जहां पर होगा आपका, मान लेते हैं यहां पर होगा तो वहां पे 40 mm का हम पॉइंट लगा दिए। पॉइंट लगाने के बाद इसको बिल्कुल 90 डिग्री पर इस तरह से खींच देंगे, बिल्कुल थिन लाइन, डार्क नहीं होना चाहिए। फिर आपको क्या करना, हाइट देखना है। तो हाइट टोटल देखिए यहाँ 20 दिया हुआ है, 20 mm हाइट दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 20 mm लेना है आपको, और 20 mm लेने के बाद इसको हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देना है। इस तरह से एक्स्ट्रा लाइन जो है उसको आपको मिटा देना है, ये देखिए। फिर ऊपर आना है टॉप व्यू पर, तो फ्रंट यहां पर बनेगा आपका, देखिए यहां पे फ्रंट आपका बनेगा, और फ्रंट के ऊपर हमेशा क्या होता है, टॉप व्यू बनता है, ये साइड हो गया, फ्रंट के ऊपर टॉप बनेगा। तो टॉप का ऊंचाई क्या होगा, तो याद रखिएगा कि साइड का जितना भी डायमेंशन होता है, साइड की जितनी भी चौड़ाई होती है, टॉप का उतना ही ऊंचाई होगा। तो साइड का चौड़ाई कितना दिया है, 40 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ 40 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका हाइट जो है 40 ले लेंगे, ये देखिए मान लेते हैं यहाँ पे 40 हुआ, इसको पॉइंट लगा देंगे ऐसे। पॉइंट लगाने के बाद इसको बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से खींच देंगे, ये देखो ऐसे। ये क्या हो जाएगा आपका, आसानी से ये आसानी से आपका ऑर्थोग्राफिक बॉक्स बन जाएगा इस तरह से। देखिए ऑर्थोग्राफिक बॉक्स बनने के बाद आपको क्या होगा, अब प्रोजेक्शन बनाने में बहुत ही आसानी होगा। तो देखिए अब क्या करना है, आपको फ्रंट व्यू देखना है कि फ्रंट व्यू से आपको क्या क्या दिख रहा है। तो बिल्कुल ये डब्ल्यू का आकार जो है, ये डब्ल्यू का आकार आपको दिखेगा। सबसे पहले हम डब्ल्यू के आकार को बना लेंगे, कैसे बनाएंगे, इसका हाइट कितना दिया है, 20 mm, 20 mm दिया हुआ है, और ये जो है ये 10-10 mm का दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, पहले हाइट ले लेना है। तो देखिए यहां से यहां तक आपका हाइट बिल्कुल 20 mm है, बिल्कुल इसको आप डार्क कर देंगे, इधर भी आपको डार्क कर देना है क्योंकि 20 mm भी दिया हुआ है। फिर इसको नीचे में भी डार्क कर देना है क्योंकि वो पूरा बिल्कुल आपको क्लियर नजर आ रहा है ऐसे, देखिए। फिर ये क्या किया है, 10-10 mm का लेके गया है, यहां से हम 10 mm लेके जाएंगे और लेफ्ट से भी राइट से भी 10 mm लेके आएंगे ऐसे, और इसको क्या करना है, नीचे 90 डिग्री में 10 mm लेके जाना है ऐसे, ये देखिए नीचे लेके जाएंगे, इसको भी हम नीचे लेके जाएंगे, ये देखिए इसको मिला देंगे ऐसे, ये देखिए ये 10 हो गया, ये 10 हो गया और ये 10 हो गया, बिल्कुल ये क्या हो गया आपका फ्रंट व्यू, देखिए कंप्लीटली यहाँ पर बन गया। अब आते हैं हम लोग साइड व्यू पर। तो साइड व्यू क्या दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल ये वाला भाग आपको जो है आयत का आकार का इसको दिख रहा है, इसको आपको डार्क कर देना है, चारों साइड आपको डार्क कर देना है, इसको ऐसे डार्क कर देंगे हम इसको, ये देखिए ये डार्क कर दिया,
अब डार्क करने के बाद देखिए यहाँ पे एक कटा हुआ भाग है जो कि आपको साइड व्यू से देखिएगा तो ये कटा हुआ भाग आपको नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हिडन लाइन का प्रयोग करना होगा जो कि इसके सीध में होगा, ऐसे यहाँ पे हिडन लाइन का प्रयोग आपको करना होगा ऐसे, ठीक है। फिर आता है हम लोग टॉप व्यू पर, तो हमेशा याद रखिएगा कि फ्रंट के अनुसार से ही टॉप व्यू बनेगा, बिल्कुल 10-10 एमएम का तीन लकीर आपको खींच देना है इसके सीध में। देखिए टॉप व्यू आपका क्लियरली यहां पे बन जाएगा, बहुत ही आसान तरीका है ये। ये देखिए आपका टॉप व्यू यहां कंप्लीट हो गया, इसको चारों साइड से डार्क कर दीजिए। ये देखिए ऐसे डार्क कर दीजिए, ये 10 एमएम हो गया, ये भी 10 एमएम हो गया, ये 10 एमएम, ये टॉप व्यू बन गया आपका। एक्स्ट्रा लाइन को आप क्या कर दीजिएगा, मिटा दीजिएगा, एक्स्ट्रा लाइन से कोई मतलब नहीं, इसको आप मिटा सकते हैं एक्स्ट्रा लाइन। ये आपका 45 डिग्री का यहां पर एंगल बन जाएगा। तो इस तरह देखिए कितना आसान तरीका है ये ऑर्थोग्राफिक बनाने का, बहुत ही आसान तरीका है। आप जरा सा मेहनत कीजिएगा तो आपका घर में आराम से ये बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।